ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग दो पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। लॉस एंजल्स से चार्ल्स पेन लिखते हैं कि सात समुंदर के पार बाबा हम सब तक अनेकों बार अपनी पहुंच का एहसास कराते हैं। वे हमें आशीर्वाद देते हैं, वे हमें दिशा दिखाते हैं, वे उन तमाम लोगों को जो उनसे सहायता चाहते हैं शक्ति प्रदान करते हैं, जिन लोगों को वे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देना चाहते हैं और पथ प्रदर्शन करना चाहते हैं उन्हें वे प्रशांति निलयम भी बुलवा लेते हैं। प्रशांति निलयम में दूर पीछे की पंक्ति में बैठे भक्त जब मन ही मन कहते हैं कि स्वामी हमें आशीर्वाद दीजिए, तो वे दूर से ही अपनी मधुर मुस्कान से उस भक्त को देखकर या उसकी ओर अपना अभय हस्त उठाकर उस मौन प्रार्थना का प्रत्युत्तर भी दे देते हैं। वे हमें ये पाठ पढ़ाते हैं कि जीवन अनंत है और वर्ष महीनों दिनों या रातों से बंधा हुआ नहीं है, सभी एक ही सनातन अनंत तरंग का हिस्सा हैं। यही पाठ बाबा ने प्रशांति निलयम में 14 जनवरी सन 1966 को उत्तरायण दिवस पर एकत्र हुए जन समूह को भी दिया। उत्तरायण दिवस अर्थात मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। बाबा ने अपने प्रवचन में इस बात पर जोर दिया कि मन को नियंत्रित करने तथा बुद्धि को सही दिशा में रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देवता है और सूर्य बुद्धि का अधिष्ठाता देवता है। बाबा ने कहा कि भौतिक समृद्धि में आवश्यकता से अधिक विश्वास रखने तथा सांसारिक प्रसन्नता पाने की दौड़ में मानव ने आज अपने भीतर के आनंद के स्रोत को खोजने की कला खो दी है, जो कि उसी मन और बुद्धि से ही प्राप्त की जा सकती है। किसी को भी अपने मन को नियंत्रित करने और बुद्धि को विवेक से भरकर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्तरायण पर्व के आगमन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक क्षण ही इस कार्य के लिए सही क्षण है। ये संदेश था बाबा का। उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति तथा आनंद के लिए बिना विलंब किए तुरंत जाग उठने और इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया। बाबा अपने उपदेश और संदेश से हमारे हृदयों को इस प्रकार स्फुरित कर देते हैं जैसा अन्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा और कौन कह सकता है जैसा कि बाबा कहते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच का संबंध तो अनादिकाल से सत्य सनातन है। ये कोई सांसारिक संबंधों पर आधारित नहीं है, ये तो हृदय की अपने मूल स्रोत
सच्चिदानंद से मिलने की आकांक्षा और तड़प पर आधारित है। मैं तुम सबको उन लहरों के रूप में देखता हूं जो चंद्रमा के आकाश में उदय होने पर समुद्र में उठती हैं। लहरें समुद्र से भिन्न नहीं हैं, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। मैं तुम्हारे आनंद से चमकते चेहरों को देखता हूं। तुम्हारा प्रेम के स्रोत से जो प्रेम है वही इस आनंद का मूल है। सन 1940 से जब बाबा ने अपने आप को साई बाबा घोषित किया था, प्रतिवर्ष शिवरात्रि के लिंगोद्भव मुहूर्त में बाबा अपनी देह के भीतर निर्मित होने वाले एक या अधिक लिंग अपने मुख से प्रकट करते हैं, जो वास्तव में ईश्वरीय सत्ता की सर्वव्यापकता के दैविक सिद्धांत के मूर्त रूप में प्रकटीकरण का एक प्रतीक है। ये एक अभेद्य और अज्ञेय रहस्य है कि ये विभिन्न आकारों, धातुओं और पदार्थों के लिंग बाबा की देह में कैसे निर्मित होते हैं और नियत क्षण पर ही कैसे प्रकट होते हैं। एक वर्ष चांदी के 9 लिंग प्रकट हुए थे, किसी वर्ष 5, किसी वर्ष 7, किसी वर्ष 3 तो किसी वर्ष 2 प्रकट हुए हैं, एक के बाद एक पूर्ण आकार में। उस गौरवमय क्षण के पूर्व जब लिंग प्रकट होते, कोई नहीं कह सकता कि कितने और किस आकार प्रकार के लिंग प्रकट होंगे। लिंगोद्भव मुहूर्त के क्षण तक सब कुछ सामान्य रहता। उस दिन 20 से 25 हजार तक की संख्या में लोग एकत्र हो जाते और शांत तथा भक्तिभाव से धर्म, दर्शन और शास्त्रों पर पंडितों के विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनते। व्याख्यानों का विषय प्रायः भगवान शिव ही होते, जो अज्ञान के अंधकार का नाश करते हैं, ज्ञान के प्रकाश के दाता हैं, पापहर्ता, मंगलकारी और मोक्ष प्रदाता हैं, सृष्टि के सहारक हैं। पंडितों के सार गर्भित पांडित्यपूर्ण भाषण के पश्चात बाबा सरस सुमधुर वाणी में संभाषण करते। उस भाषण के मध्य अथवा भाषण के पश्चात भजन करते हुए बाबा को जैसे ही हल्की सी खांसी आती, लोगों को संकेत हो जाता कि अब लिंगोद्भव होने वाला है। हिचकी से भाषण में व्यवधान होने लगता। ये क्रम उस समय तक चलता रहता जब तक कि अंदर के दबाव को और अधिक नहीं रोका जा सकता। फिर हजारों कंठों से निकलते जय जयकार के विजयनाद, ओम नमः शिवाय की धुन के बीच लिंग मुख तक आते हैं और सामने चांदी की तश्तरी में गिरते हैं। बाबा उसी क्षण उन्हें उठाकर सबको उनके दर्शन कराते और सब लोग प्रमुदित मन, सम्मान और भक्ति भाव के साथ दर्शन कर अपने को धन्य समझते। उन लिंगों को पूरी रात सर्वसामान्य के दर्शनार्थ रखा जाता और फिर प्रातः बाबा उनको हाथ में लेकर पंक्तियों में बैठे भक्तों के हाथ में दे देते और वे विस्मय के साथ उनके आकार को देखकर दंग रह जाते कि ये तो महान चमत्कार है कि इतने बड़े लिंग बाबा के गले के सकरे मार्ग में कैसे समा सके। सन 1966 में लगभग 20 मिनट तक बाबा को कष्ट रहा और काफी हिलने डुलने, लंबी सांस लेने, खांसने के पश्चात एक 3 इंच लंबा स्फटिक लिंग 5 इंच चौड़े आधार पर रखा हुआ उनके मुख से बाहर आया। कई हजार जनता की अपार भीड़ जो एक टक सांस रोके बाबा का मुख निहार रही थी, लिंग को देखते ही आनंद विभोर हो गई। उस दैविक चमत्कार को देखकर लोग प्रफुल्लित हो उठे। बाबा ने ये लिंगोद्भव नवनिर्मित शांति वेदिका में किया था। एकत्रित भक्तगणों ने सारी रात जागरण किया और भजन होते रहे। दूसरे दिन प्रातः बाबा पुनः शांति वेदिका में उपस्थित हुए और उन्होंने लोगों को बताया कि रात्रि जागरण, जय जयकार और नाम संकीर्तन और भजन का क्या अर्थ होता है और क्या महत्व है, तथा कठोर संयम और अनुशासन के द्वारा इंद्रिय निग्रह, मन के नियंत्रण, अहंकार के नाश की क्यों आवश्यकता है। फिर बाबा ने उस लिंग को अपने हाथ में लिया और पंक्तिबद्ध बैठे हुए भक्तों के बीच से निकलते हुए सबको उसके दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया, ताकि भक्तगण उसके दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल कर लें।
फरवरी सन 1966 के अंतिम सप्ताह में बाबा ने बुक्कपट्टनम के जिला परिषद हाई स्कूल के स्कूल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। ये स्कूल बाबा के आशीर्वाद से हाई स्कूल हो गया है, क्योंकि इस स्कूल को बाबा को अपना पुराना विद्यार्थी कहने का गौरव प्राप्त है। अपने इस गौरव को अक्षुण बनाए रखने के लिए स्कूल का नाम ही श्री सत्य साई बाबा हाई स्कूल रख दिया गया है। बाबा ने बालकों के माता पिताओं को सदुपदेश देते हुए कहा कि वे अपने बालकों के समक्ष सद्गुणों, सदाचरण, विनम्रता व लोक सेवा के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि वे लोग इन बातों को अपनाने के लिए स्पर्धा करें। 2 मार्च को बाबा हैदराबाद पहुंचे, जहां 3 दिन के लिए प्रशांति विद्वान महासभा का अधिवेशन आयोजित था। प्रतिदिन 50-60 हजार लोग उत्सुकता के साथ प्रोफेसर वी के गोकक, श्री डी वेंकट वधानी सदृश विद्वानों के संभाषण सुनकर अति आनंदित और प्रभावित होते थे। बाबा विश्व के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। वे लाखों श्रोताओं को घंटों तक मंत्रमुग्ध किए रहते हैं और श्रोतागण टकटकी बांधे सांस रोके निहारते रहते हैं और उनकी अमृतमय सुमधुर वाणी का पान करते रहते हैं। धर्म और दर्शन के गहनतम सिद्धांत, आध्यात्मवाद के सूक्ष्म तत्व, जो अच्छे अच्छे विद्वानों को समझने तक में कठिन होते हैं, बाबा इतनी सरल, सुबोध और सुमधुर भाषा में दैनिक जीवन, वातावरण और स्थिति से संबंधित वस्तुओं के उदाहरण और रोचक आख्यानों द्वारा पूर्ण विश्लेषण सहित इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि मंद बुद्धि लोग समझने लगते हैं कि उन्हें ज्ञान की उपलब्धि हुई है। फिर विद्वानों की बात ही क्या, क्योंकि बाबा सबके लिए समान रूप से स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बाबा के भाषण को सुनकर उठता है तो पाता है कि उसका बोझ हल्का हो गया है, मन प्रफुल्लित है और उसमें अधिक शक्ति और आत्मविश्वास जागृत हो गया है, क्योंकि भाषण सुनते हुए प्रत्येक को ऐसा लगता है कि बाबा उसकी ही समस्याओं और शंकाओं को लक्ष्य करके उसे ही संबोधित कर रहे हैं। तभी तो प्रोफेसर गोकक ये गाने के लिए प्रेरित हुए थे, क्या आपने बाबा के दर्शन किए हैं, जिनके दर्शनों के लिए जन जन आतुर रहते हैं। वे नगर नगर में अपने तेज को फैलाकर दर्शन को आतुर पिपासुओं को अपने दर्शन देकर कराते अपनी दिव्यता का आभास और भिगाते उन्हें आनंद के अश्रुओं से। जीवन का सच्चा अर्थ आपने खो दिया है यदि देखा सुना नहीं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। सर, हम आपसे कोडैकनाल के आपके संस्मरण के बारे में और विस्तार से कुछ जानें, उसके पहले मैं पूछना चाहूंगा कि भगवान की हॉस्टल की विजिट्स कभी हुई हो, जब भगवान हॉस्टल आए हो, उससे जुड़ी हुई कुछ यादें साझा करके फिर आप हमसे अपने कोडैकनाल के कुछ संस्मरण हमको हमारे साथ साझा कर सकते हैं। भगवान बाबा का हॉस्टल आना तो इतना फ्रीक्वेंट हुआ करता था, इतना मतलब जैसे हम भगवान बाबा दर्शन के लिए हम बैठे हैं और भगवान बाबा को हमने कहा बाबा आप हॉस्टल आइए,
भगवान कहते हैं तुम चलो मैं आ रहा हूं, और हम सब हॉस्टल भागते थे जी। और फिर भगवान बाबा हमारे पीछे पीछे अपनी कार में आ जाया करते थे और फटाफट सब तैयारी हो जाया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान बाबा ने कहा कि मैं आ रहा हूं, तो भगवान बाबा के उपन्यास के लिए डिस्कोर्स के लिए एक माइक लगाना था, तो यहाँ जो क्वाड्रेंगल है जो कि जो सेंट्रल एरिया है उसके पास में ही एक डाइट्री सर्विसेज का एक रूम है जी, और वहाँ पर एक कनेक्शन देना था हमें। तो भगवान बाबा आ रहे थे तो एक बच्चे को एक वायर कनेक्शन करना था, और उसके पास में उसमें कटिंग प्लायर नहीं था, वो नहीं था कनेक्शन करने के लिए, तो उसमें बिजली गई हुई थी। तो उसने बोला दांत से ही उसको मैं कर देता हूँ। उसने दांत से ही इसको काटने की कोशिश करी उस तार को, अचानक ही बिजली आ गई और वो उसके उसको बिजली का करंट बहुत जोर के लगा। तभी भगवान बाबा एंटर हुए, भगवान बाबा ने किसी से बात नहीं करी, पहले जाके वो बैटरी सर्विस के अंदर में गए और दरवाज़ा ऐसे खोला जिसकी वजह से उसका जो है कनेक्शन जो टूट गया तार का, और उस बच्चे के प्राणों की रक्षा हुई। तो भगवान बाबा तो हमेशा हमारे हॉस्टल में हमेशा आते रहते थे किसी भी कारण से। हम कहते भगवान बाबा आज हमने एक मूर्ति का हमने सजावट करी है उसको देखने के लिए, भाई भगवान बाबा आ जाया करते थे। भगवान हमारे हॉस्टल में ऑल्टर कॉम्पिटिशन है, हमने थर्मोकॉल के हमने पूजा घर बनाए अपने अपने कमरों के अंदर में। भगवान बाबा कमरे से कमरा जाकर उन सब पूजा घरों को थर्मोकॉल से बने हुए पूजा घरों को देखने के लिए जाया करते थे। जी जी जी। भगवान बाबा आज हमने गीजर नया गीजर खरीदा है स्वामी हमने, तो आप हमारे गीजर का इनॉग्रेशन करने के लिए, भगवान गीजर को इनॉग्रेशन करने के लिए आते थे। भगवान हमने अपने स्टोर के अंदर में हमने नए साबुन रखे हैं स्वामी, अब हमारे उस साबुन के सेक्शंस को इनॉग्रेट करने के लिए आई, भगवान बाबा आते थे इनॉग्रेट करने के लिए। तो आप ये देखिए कि भगवान किस तरह से हमें हमारे में एकाकार थे हमेशा। कभी हमें ये नहीं लगा ये भगवान हैं और भगवान बाबा को हमें इतने छोटे से कार्य के हमें नहीं बुलाना चाहिए। हमें पूर्णतः स्वतंत्रता थी कि हम भगवान बाबा किसी भी चीज़ के लिए बुलाएं, और भगवान बाबा हमेशा हमें प्रेम देने के लिए हमारे राजी थे हमेशा। पर बाबा का संदेश हमेशा हुआ करता था और बाबा हमें कुछ ना कुछ हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया करते थे। और ये सारे जो संदेश भगवान बाबा ने दिए या स्कूल हॉस्टल में या हमारे सीनियर बॉयज़ हॉस्टल में, वो हमने देखा कि वो कैसेट्स हैं जो किसी ने वॉकमैन से स्पीकर के पास में रख के रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। तो हमें करीब ये 50-60 हमें कैसेट्स ही मिले। तो उस समय मैंने पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट शुरुआत की थी मैंने हॉस्टल के अंदर में जी। आप जानते हैं अभिषेक जी, जी। तो उस समय हमें रामोन राव सर के पास में ये सारे कैसेट्स थे जो कि स्कूल में उसमें अध्यापक थे, तो उनसे हमने कहा कि आप हमें दे दीजिए ये कैसेट्स, हम इनका संकलन करके इसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी के अंदर में हम किताब बनाना चाहते हैं। तो उन कैसेट्स से शुरुआत करके जो सिर्फ तेलुगु मीडियम थे टूटे हुए कैसेट्स से, हमने उनको शुरुआत करके उनको सुन सुन के तेलुगु बच्चों से, फिर उसको ट्रांसलेशन मैंने किया, फिर उसके बाद एडिटिंग किया, उसके बाद में वो माय डियर स्टूडेंट्स के 6 वॉल्यूम्स बने जी। जब भगवान बाबा हमसे वार्तालाप दिन में करते थे तो मैं भी रोज आकर उसको उसको टाइपिंग करके प्रिंट आउट लेके माय डियर स्टूडेंट्स की किताब से हमने निकाला। भगवान बाबा के जो कॉलेज में डिस्कोर्सेस से MBA स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी हमने मैन मैनेजमेंट के कई वर्जन्स निकाले। तो भगवान बाबा के पास में हमेशा हम इन सारे वर्जन्स को लेके या वंदना चंदना के वर्जन्स लेके भगवान बाबा के पास में जाते थे, और भगवान बाबा हमेशा हमें ब्लेस करते थे और हमेशा भगवान बाबा फोटोग्राफ्स और ये सारी जो चीज़ें हैं देख के हमें पाद नमस्कार दिया करते थे। तो हॉस्टल के अंदर में एक बार ऐसा हुआ कि थोड़ा कुछ इनॉग्रेशन था, और ये मेरे स्टूडेंट बनने के पहले की बात है, पर ये बहुत अच्छा एक छोटी सी कथा है कि जो बताना चाहूँगा, क्योंकि भगवान बाबा कैसे हमारे में एक हैं वो ये इससे मालूम चलता है हमें। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सुबह सुबह ही हमने उनको इनवाइट किया कि भगवान आइए हमारे स्टोर्स के अंदर में, हमने कुछ नई चीज़ें रखी हैं, आप कृपा उनको देखने के लिए आइए। तो भगवान बाबा ने बोला ठीक है मैं आऊँगा, पर समय कम है, दर्शन के लिए भी जाना है मुझे, तो मेरे पास कुछ समय ही रहेगा। तो वार्डन ने सबको इंस्ट्रक्शंस दिया ये स्टोर्स बॉय को कि तुम 4 बच्चे रहोगे यहाँ पे, और तुम पाद नमस्कार के लिए मत पूछना, भगवान बाबा आएंगे इनॉग्रेशन करेंगे देखेंगे तुमको ब्लेसिंग्स करेंगे और चले जाएंगे दर्शन के लिए। तो सबने कहा ठीक है। तो फिर भगवान बाबा जैसे ही बाबा ने अंदर आए स्टोर्स में, भगवान बाबा ने बच्चों से बात करी और पूछा कि तुमने क्या नया किया है यहाँ पे। उन्होंने कहा बाबा हमने ऐसे ऐसे हमने कुछ रीअरेंजमेंट किया है अपने स्टोर्स का, इस नए तरीके से हमने इनको यहाँ पे डिस्प्ले किया है सब सामान को। भगवान बाबा ने कहा अच्छा बहुत खुशी है बहुत अच्छा किया। तो एक बच्चे ने कहा स्वामी आप पाद नमस्कार ले सकते हैं क्या। बाबा ने कहा ठीक है ले लो। तो पहले बच्चे ने पाद नमस्कार लिया, फिर दूसरे ने पाद नमस्कार लिया, अब तीसरे बच्चे ने जब पाद नमस्कार लिया तो पाद नमस्कार लेता ही गया उठा ही नहीं। तो चौथा बच्चा देख रहा है कि इसे क्या हो गया, ये तो बाबा के चरणों को छोड़ ही नहीं रहा है।
और समय बीतता जा रहा है और वार्डन देख रहे हैं कि ये बच्चा पता नहीं क्या हो गया, ये इतना लंबा पाद नमस्कार क्यों ले रहा है ये जी। तो करीब एक मिनट डेढ़ मिनट हो गया वो पाद नमस्कार खत्म ही नहीं कर रहा है अपना। फिर जब वो उठा तो उसकी आंखों से कुछ अश्रु जैसे बह रहे थे, नाक बहुत लाल हो रहा था, कान थोड़े से लाल थे। तो सब लोग सकते में आ गए कि पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया, शायद घर में कोई मुसीबत है या किसी बात से बहुत परेशान है, ये रो रहा है बेचारा। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं उसे। फिर चौथे बच्चे ने भी पाद नमस्कार लिया, फिर बाबा चले गए। तो फिर वार्डन ने उसको बुलाया और पूछा कि भाई बेटा क्या हो गया आपको, आपने इतना लंबा पाद नमस्कार लिया पहले तो, और फिर आपने पाद नमस्कार लेते ही गए, आपने बाबा के चरण छोड़े ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, जब मैंने बाबा का पाद नमस्कार लिया तो बाबा ने अपने पाँव के अंगूठे और उंगली के बीच में मेरे नाक को पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। मैंने कितनी कोशिश करी कि अपना नाक छोड़ा लूं मैं, पर बाबा ने इतना कस के नाक पकड़ा और छोड़ा ही नहीं, तो मैं क्या करता सर, मेरे तो आंखों से अश्रु निकलने शुरू हो गए पर बाबा ने नाक नहीं छोड़ा। तो हम देखो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ में बच्चा ही हूं, तो वो हर पल मजाक करना, हर पल हमारे साथ में एकाकार होकर रहना, कभी ये मजाक कभी इस बारे में। पर भगवान बाबा देव कितनी बार बच्चों के कहते हैं कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट बन गए हो तो तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है जी। तो किस प्रकार, एक बार एक म्यूज़िक कॉलेज का स्टूडेंट था और उसके बड़ी बहन की शादी थी और सब लोग यहाँ पर वो जो शादी का जो साड़ी था उसको ब्लेस करवाने के लिए यहाँ पर आए जी। तो उन्होंने वार्डन से उन्होंने पूछा कि हमें आगे बैठने का हमें सुअवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है, बाबा नहीं चाहते कि इस तरह से सबको आगे बैठाया जाए फैमिली मेंबर्स को, तो आप टोकन लेकर बैठिए, जहाँ नंबर आएगा भगवान बाबा से प्रार्थना है कि आपको ब्लेस करेंगे। पर उनका नंबर आया बहुत पीछे का और भगवान बाबा ने उस तरफ देखा भी नहीं और वो लोग बड़े परेशान हो कि हम यहाँ पर अब इतनी दूर से आए भी हैं और ये अब साड़ी को ब्लेस करवाना था, बाबा ने ब्लेस नहीं करी, अब क्या करें हम। तो जब वो गणेश मंदिर के सामने मिले दोबारा जाके, जब उन्होंने उस साड़ी को खोला तो उसमें एक चमत्कारी रूप से एक मंगलसूत्र अंदर आ गया। ओहो हो। और तब उनको लगा कि हे भगवान, भगवान बाबा ने चाहे हमें देखा ना हो पर वो जानते हैं कि हमारी परेशानी क्या है और हमें उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि ये मंगलसूत्र जो यहाँ पर था ही नहीं इसके अंदर में प्रकट हो गया है। इसी प्रकार भगवान बाबा एक बार सुबह सुबह ही हॉस्टल के लिए आ गए और एक बच्चे के बारे में पूछा और वो बच्चा तो शायद नहाने के लिए गया हुआ था। भगवान बाबा ने इंतज़ार नहीं किया, भगवान बाबा बाथरूम कॉम्प्लेक्स के पास में जाकर उस बच्चे को कहा कि वो बच्चा कहाँ पर है। तो जब वो बच्चा बाहर आया तो भगवान बाबा ने उसका थोड़ा शेविंग क्रीम लेके अपने चेहरे पे लगा ली और फिर वो पहुँच कर बाबा वापस चले गए। तो बाद में वार्डन ने बोला समझ में तो नहीं आया भगवान बाबा इस तरह से उन्होंने क्यों किया, तो बार तुम आगे जाके बैठना और भगवान बाबा शायद तुमसे कुछ बात करें। तो वो आगे जाके बैठा, फिर भगवान बाबा ने उसे बताया कि पिछले दिन उसके माता पिता जहाँ पर भी बहुत दूर जहाँ पर रहते हैं उनका घर है, वो शादी से वापस आए थे और उन्होंने थोड़ी गैस कुछ खुली रह गई थी और वो सुबह सुबह जब उनकी माताजी जा रही थी चाय बनाने के लिए तो उनको ये विचार नहीं आ रहा था कि शायद गैस खुली रही है तो हमें माचिस नहीं लगानी है। तो भगवान बाबा ने कहा देखो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट के अंदर में कोई बैलेंस ही नहीं है, तुम स्वार्थी बच्चे हो, तुम औरों से अपना कुछ शेयर भी नहीं करते हो, किसी की मदद भी नहीं करते हो, इसलिए मैंने तुमसे शेविंग क्रीम इसीलिए ली ताकि वो पुण्य लेकर मैं तुम्हारे माता पिता के जीवन की रक्षा कर सकूं। तो भगवान बाबा तो इस तरह से हमारे अंग संग हमेशा रहे हैं। एक बार भगवान बाबा स्पोर्ट्स मीट के लिए अचानक ही आ गए सुबह सुबह के समय और मैं उसमें नहा रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि भगवान बाबा आने वाले हैं। अचानक ही भगवान बाबा आए और हिलव्यू स्टेडियम में आ गए, उसमें मार्चिंग अभी अभी ख़त्म हुई थी। भगवान बाबा ने बोला देखो तुम्हारा स्पोर्ट्स मीट के लिए क्या आइटम्स हैं मुझे दिखाओ। तो कुछ ना कुछ आइटम जो जिमनास्टिक्स के बॉय थे उन्होंने शुरू कर दिया और इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। जब तक मैं पहुंचा भगवान बाबा के हिलव्यू स्टेडियम में तो भगवान बाबा चारों तरफ से बच्चों से घिरे हुए थे। जी जी जी। वहाँ चार कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, एक में वार्डन, एक में वाइस चांसलर, एक में जी वेंकटरमन सर और एक और जो बाबा के साथ में आए थे वो सब बैठे हुए थे और भगवान चारों तरफ से घिरे हुए थे बच्चों से, कहीं बैठने की जगह नहीं थी। तो मुझे पीछे पीछे वहाँ पे स्टैंड में मैं खड़ा हुआ था और मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा भगवान देखिए कितना अच्छा सुअवसर था कि आप सुबह सुबह दर्शन देने के लिए आए हैं हिलव्यू स्टेडियम में, पर मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं कितना पीछे खड़ा हुआ हूँ, आपके दर्शन भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं स्वामी। तो मेरे आंखों में अश्रु आने शुरू हो गए कि मैंने स्वामी कितना अच्छा सुअवसर था पर मैंने इसको खो दिया, अब ये बहुत दुर्भाग्य है मेरा।
अचानक ही मेरे मन में ये विचार आते जा रहे हैं और भगवान बाबा अचानक ही वार्डन से कुछ कहते हैं, तो वार्डन कुछ रिसर्च स्कॉलर जो पास में बैठे हुए थे उनसे कुछ कहते हैं, तो वो बच्चे भागकर पीछे आते हैं और कहते हैं कि जो भगवान बाबा MBA के रिसर्च स्कॉलर्स को आगे बुला रहे हैं। अरे वाह। और ऐसे ही एक रास्ता मिल गया हमें जाने का और एकदम भगवान बाबा के चरणों के पास जाकर मैं बैठ गया। भगवान बाबा ने अपना बायां हाथ मेरे दाएं कंधे पे रखा और मेरी तरफ देखा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, प्रोग्राम देखते रहे और हाथ रखे रहा और मैं रोता रहा और मैं बस बाबा मैं क्या कह सकते हैं कि भगवान अगर हमारे हमारे अंतर मन में ही है ना जी। कई बार ऐसा होता है अभिषेक पुटापर्ति में मैंने देखा है कि अगर मैं कहीं पीछे भी बैठा हूँ पर मन के अंदर में भक्ति भाव अगर उजागर होता है और मैं कहता हूँ भगवान आप कृपा करके मेरे नज़दीक आइए, तो ये असंभव है कि भगवान बाबा नहीं आए, ये असंभव है कि भगवान बाबा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं तो भाव प्रिय हूँ, मैं बाह्य प्रिय नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ड्रामा से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं तुम्हारे अंतर्मन की भावना से प्रसन्न होता हूँ, इसलिए तुम अपने भाव को उजागर करो। मैं तो एक मक्खन के समान हूँ और थोड़ी तो तुम्हारे में गर्माहट हो कि ये मक्खन पिघल जाए। और मैंने बार बार ये देखा है कि भगवान बाबा जल्दी बहुत जल्दी पिघल जाते हैं अगर हमारे मन के अंदर में वो भावनाएं हैं। तो अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।